किप्सा F100 वर्सेस नेविया स्टॉर्म पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई दोनों फुटबॉल के ऊपर वीडियोस मैं बना चुका हूँ। बेस्ट फुटबॉल अंडर रुपीज़ 500 में नेविया स्टॉर्म थी, बेस्ट फुटबॉल अंडर रुपीज़ 300 में किप्सा F100 फुटबॉल थी। भाई मुझे बहुत सवाल आते हैं कौन सी फुटबॉल बेस्ट है, कौन सी लेनी चाहिए। सो टुडे पीपल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंपेयर दीज टू एनॉर्मस जायंट बिग सेलर्स इन द मार्केट पीपल। सॉफ्ट टचेस, हार्ड टचेस, ड्रिबलिंग, ड्रॉप टेस्ट, हाउ डज इट फील ऑन माई हैंड्स, हाउ डज इट फील ऑन माई लेग्स, फिजिकल एस्पेक्ट, हर चीज़ डिस्कस करने वाले हैं ये वीडियो के अंदर हम लोग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी कर दो एंड नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो पीपल। ऑलराइट पीपल, स्टार्ट करते हैं हम नेविया स्टॉर्म के साथ, इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अ मोल्डेड फुटबॉल पीपल, सिंगल पीस मोल्डेड फुटबॉल है विथ 32 पैनल्स जिसके ऊपर, जिन्हें नहीं पता पैनल्स क्या होते हैं, ये जो हेक्सागन्स बने होते हैं फुटबॉल के ऊपर इन्हें पैनल्स कहा जाता है। ब्यूटाइल ब्लैडर कोर है इसका, ऊपर की जो लेयर है इट हैज़ अ रबर लेयर जो कि बहुत सही है। मिड लेयर जो इसकी है वो लैटेक्स बॉन्डेड है जो कि फुटबॉल को काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल बना देता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द सर्फेस यू हैव टू प्ले दिस ऑन इज हार्ड एंड रफ सर्फेसिस के लिए ये वाली फुटबॉल बनाई गई है निविया की तरफ से। किप्सा F100 के फिजिकल एस्पेक्ट्स की तरफ अगर हम चलते हैं, सो यस पीपल दिस इज अगेन अ 32 पैनल फुटबॉल, मोल्डेड नहीं है ये, दिस इज मशीन स्टिच एज यू गाइस कैन सी। रबर ब्लैडर है इसके अंदर एंड इट हैज टू लैमिनेटेड लेयर्स इनसाइड विच मेक्स इट वेरी ड्यूरेबल एंड एक्सट्रीमली गुड फुटबॉल इन द प्राइस सेगमेंट जिसके अंदर ये आती है। द ओनली थिंग इसके अंदर और निविया के अंदर एक ही चीज़ का फ़र्क है कि भाई ये वाली जो फुटबॉल है ना थोड़ी सी ज़्यादा टच करते हो आप तो थोड़ी सी ज़्यादा जो इसकी ऊपर टेक्स्चर है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट है, बस ये इतना फ़र्क है फिजिकल एस्पेक्ट्स के अंदर, उससे ज़्यादा फ़र्क है नहीं। अब चलते हैं हम ड्रॉप टेस्ट की तरफ। टाइम फॉर ड्रॉप टेस्ट पीपल, पैरों से दोनों बॉल मार नहीं सकता, गिर जाऊँगा हाथ से उड़ा देंगे, चलो देखते फेंकते क्या होता है, बाउंस पता चलेगी दोनों की कैसे। ऑलराइट पीपल सो हियर वी गो, 1 2 3। ओके, ऑलमोस्ट द सेम बाउंस, बट निविया की बाउंस की जो हाइट थी थोड़ी सी ज़्यादा थी पीपल। ओके दिस वाज इंटरेस्टिंग, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया देखने में, एक बार और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, एक बार और पीछे जाओ। ऑलराइट पीपल देयर वी गो अगेन, सी निविया के इसमें थोड़ा ज़्यादा बाउंस है पीपल, ऐसा नहीं है नहीं है। अभी मैं एक बार शोल्डर हाइट से ड्रॉप करके देखता हूँ, दोनों बॉल यहीं पे है ठीक है मेरे शोल्डर्स पे, और शोल्डर हाइट से ड्रॉप करके देखते क्या होता है। 1 2 3। ओके सर्टेनली द सेम, इतना फ़र्क था नहीं, बट सो आई गेस क्योंकि यार देखो मोल्डेड फुटबॉल है, थोड़ी सी इसकी सर्फेस ज़्यादा हार्ड है तो ऑब्वियसली इसका बाउंस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, इसका बाउंस हल्का सा कम रहेगा बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट टेक्सचरिंग, जो थोड़ी सी इसकी जो टेक्सचरिंग है आई मीन जो कंसिस्टेंसी ऊपर जो फुटबॉल के ऊपर जो मटेरियल है वो थोड़ा सा ज़्यादा रफ है। तो आई थिंक हाँ मतलब फिजिक्स भी अगर आप थोड़ी पढ़ो तो फिर इसका बाउंस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, बट दिस बॉल कम्पीटेड वेल, ऐसा नहीं कि भाई ये बॉल ज़रा हार मान गई, बॉल अच्छा बाउंस किया। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सम टचेस, सॉफ्ट टचेस, हार्ड टचेस करेंगे, शॉट्स लेंगे, थोड़े जगलिंग करेंगे, ड्रिबल्स करेंगे, देखते फिर क्या निकलता है दोनों बॉल में से। जगलिंग के साथ शुरू करते हैं, पहले मैं करूँगा किप्सा F100 के साथ जगलिंग, लेट्स स्टार्ट। ओके ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है पैरों के ऊपर, ग्रिप भी अच्छी है, नाइस। ओके दिस इज प्रिटी वेल, कंट्रोल अच्छा है, बॉल उतनी ही जा रही है जितना मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ। निविया स्टॉर्म के साथ जगलिंग करते हैं पीपल, चलो अभी देखते हैं क्या होता है निविया स्टॉर्म के साथ। अरे यार ये तो बहुत हार्ड है, किप्सा F100 जगल करने के बाद ये बहुत हार्ड लग रही है पैरों के ऊपर, बट दिस इज़ गुड, ग्रिप ज़्यादा अच्छी है क्योंकि रबर है लेयर। यार ये थोड़ी ज़्यादा हार्ड है, रुको आई वॉन्ट टू सी समथिंग एल्स। भाई ये बॉल है काफ़ी हार्ड है, थोड़ी लगी मेरे को पैर के ऊपर, पर बॉल काफ़ी ज़्यादा हार्ड है खेलने में, स्पेशली किप्सा F100 से जैसे ही मैंने स्विच किया तो भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क एकदम पता चल गया कि ये बॉल हार्ड है। ओके पीपल नाउ वी गोइंग टू टेक सम शॉट्स, उसके बाद थोड़े से फ्री टचेस करके देखेंगे। ऑलराइट पीपल अभी लेंगे थोड़े से शॉट्स, थोड़े डिफरेंट डिफरेंट जगहों से अपन शॉट्स लेके देखेंगे, फिर मैं बताता हूँ क्या फील होता है। चलो अभी पहला शॉट ले लेते हैं हम निविया स्टॉर्म के साथ, पहला शॉट लूँगा मैं। ओके दिस एक्चुअली ट्रैवल्ड वेरी वेल पीपल, नाउ किप्सा F100 के साथ अपन शॉट लेके देखते हैं। ऑलराइट ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रैवल की, बस F100 जो फुटबॉल थी वो थोड़ी सी उठने में आसानी से चली गई थी पीपल। लो देख लो दोनों फुटबॉल, निहार लो आप लोग, यहाँ पे आ जाओ यार, मस्त मज़ा आ गया दोनों को शॉट्स लेने में, तो मज़ा आ गया मेरे को।
अब कुछ और जगह से ट्राई करके देखते हैं शॉट्स एक दो और। पहले अभी मैं इस बार पहले मैंने निविया स्टॉर्म मारी थी, इस बार मैं पहले किप्सा F100 मारूंगा ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि जो कंप्लीट डिफरेंस है मारने का कि पहले हल्की बॉल मारो और फिर हार्ड बॉल मारो तो उसमें क्या फर्क आता है। तो पहले F100 मार के देखते हैं पीपल। अब निविया स्टॉर्म को मार के देखते हैं क्या फर्क आता है। ओके पीपल, ओ ये तो मेरे को एकदम पैरों पे फर्क पता चल गया। किप्सा F100 हमारी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट स्मॉल क्यूट बॉल एक तरह से, और निविया स्टॉर्म हमारी थोड़ी मस्कुलर पावरफुल बॉल है। अब एक लास्ट लॉन्ग रेंज शॉट लेके देखेंगे हम, फिर मैं फ्री टचेस वाला करके आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ क्या होता है। ऑलराइट पीपल, लॉन्ग रेंज शॉट्स में पहले हम मारेंगे निविया स्टॉर्म, उसके बाद हम मारेंगे किप्सा F100 पीपल। ओके ये तो चली गई आराम से, अब किप्सा F100 की बारी पीपल। ऑलराइट पीपल, ये नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं अपने वीडियोस में, फुटबॉल के इसमें मैंने कभी ये चीज़ नहीं की। आई एम जस्ट गोइंग टू डू फ्री टचेस नाउ। क्या फ्री टचेस? हार्ड टचेस और सॉफ्ट टचेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द गोल जाएगी नहीं जाएगी। अब अपने पास इक्विपमेंट तो है नहीं भाई बॉल एक्चुअली उस तरह से टेस्ट करने के लिए टेक्निकली और इतनी डिटेलिंग में जाके, पर भाई अपने पास दो पैर है और अपने पास सामने नेट है, बॉल दोनों यही है, मार के देखेंगे, लॉफ्ट करेंगे, सॉफ्ट टचेस भी करेंगे देखेंगे। सो ये देखते रहो पीपल, ठीक है। ओके निविया स्टॉर्म तो मस्त गई यार, थोड़ी हैवी लगती है मेरे को लॉफ्ट करने में समटाइम्स, बट ठीक है चली जाती है। किप्सा F100 मार के देखते हैं। किप्सा F100 बहुत लाइट है यार। ऑलराइट पीपल, सॉफ्ट टचेस के साथ शुरुआत करते हैं, बड़ी प्यारी सी वॉक करके से मैं बॉल टच करूंगा, देखते हैं वहां तक कैस किस तरह एक्चुअली ट्रैवल करती है फुटबॉल। किप्सा F100 को मार के देखते हैं एक बार। ओके काफी डिसेंट अच्छा ट्रैवल की। निविया स्टॉर्म को करके देखते हैं अभी नाउ। या आई थिंक निविया स्टॉर्म एक्चुअली थोड़ा स्लो ट्रैवल की मेरे हिसाब से। अब मैं बताता हूँ निविया स्टॉर्म क्यों थोड़ा स्लो ट्रैवल की और किप्सा F100 क्यों ज़्यादा स्मूथली चली गई, क्योंकि निविया स्टॉर्म जो फुटबॉल है ना पीपल, देखो रबर ले रही है इसके ऊपर की, ठीक है। अब रबर को जब आप ग्रास में ले आते हो ना तो उसकी स्पीड, उसका फ्लो थोड़ा कम हो जाता है, उसकी जो वेलोसिटी है जिससे बॉल जाती है वो स्लो हो जाती है। एंड दिस बॉल इज मेंट टू प्ले ऑन आर्टिफिशियल ग्रास एंड टर्फ, और इसके ऊपर की सिंथेटिक लेयरिंग भी अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, तो इसलिए ये फुटबॉल बेटर ट्रैवल कर रही है ग्रास के ऊपर। बट आई एम श्योर निविया स्टॉर्म अगर आप मिट्टी में लेके जाओ, मड में लेके जाओ, तो बहुत बेटर परफॉर्म करेगी ये, बिकॉज यू कैन सी ग्रास के अंदर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी है नहीं। बट यस, मड ग्राउंड पे ऑब्वियसली ये बेटर परफॉर्म करने वाली है, हार्ड ग्राउंड होता है क्योंकि रफ सर्फेसिस वहाँ भी होती है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसको लेके जाओगे तो ये बॉल देखो, अब जहाँ ये बॉल के साथ ऐसा चक्कर है कि टिक जाएगी ऐसे नहीं है, बट इसकी जो ऊपर की लेयरिंग है ना ये धीरे धीरे निकलने लग जाएगी। टू लैमिनेटेड लेयर्स हैं तो एक लैमिनेटेड लेयर तो आप लोग ही निकाल दोगे अगर आप इसको मड ग्राउंड में या कहीं और लेके जाके इसके साथ अगर खेलोगे तो। अभी किप्सा F100 को थोड़ा ड्रिबल करके देखते हैं पीपल। ओके ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रिप के साथ आ रही है यार, दिस फील्स गुड। ओके लेट्स कीप दिस हियर। निविया स्टॉर्म की बारी, निविया स्टॉर्म के साथ अपन चलते हैं। थोड़ी सी हार्ड है, कम स्लो चल रही है, बट यस ओके दिस फील्स गुड। निविया स्टॉर्म जबकि एक हार्ड ग्राउंड बॉल है फिर भी टर्फ के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रही है, नॉट रियली बैड पीपल। चलो अभी वीडियो को कंक्लूड कर देते हैं, फट से आई विल टेल यू विच इज द बेस्ट फुटबॉल। ऑलराइट पीपल, आई एम वेरी हैप्पी विद दीज फुटबॉल्स, दोनों फुटबॉल बेस्ट फुटबॉल अंडर ₹500 है ही। अपने अपने मार्केट, आपको पता है इनका क्या मार्केट है क्या नहीं। आप लोग वीडियो सिर्फ इसलिए देख रहे हो क्योंकि मैं बता दूं आप लोगों की विच इज द बेस्ट फुटबॉल। नाउ पीपल, दिस इज अ टफ चॉइस टू मेक, क्योंकि ये बॉल बनी है हार्ड एंड टफ ग्राउंड्स के लिए, तो बनावट अलग है यार। देखो ऑनेस्टली बोलूँ बनावट इसकी अलग है, पर ये वाली जो है वो आर्टिफिशियल एंड टर्फ ग्रास के लिए, तो इसकी भी बनावट अलग है। आई वुड रिकमेंड, आई कैन गिव यू अ सोल्यूशन, दिस इज नॉट अ जजमेंट, बट दिस इज वॉट यू कैन डू टू बैलेंस आउट योर नीड्स पीपल। यू कैन यूज दिस बॉल आर्टिफिशियल टर्फ ग्रास पे, अगर आप सिर्फ आर्टिफिशियल और टर्फ ग्रास पे ही खेलने वाले हो, टर्फ के अलावा कहीं जाओगे मड वड पे तो परफॉर्म तो करेगी पर उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आएगी और ड्यूरेबिलिटी बॉल की एक्चुअली कम हो जाएगी। बट निविया स्टॉर्म ऑन दी अदर हैंड, भाई निविया तगड़ा ब्रांड है, मतलब मानना तो पड़ेगा इतने सालों से डोमिनेट कर रहा है मार्केट को। ये फुटबॉल मड पे हार्ड ग्राउंड पे बेस्ट परफॉर्मेंस नो डाउट एट ऑल, पर अगर आप इसको टर्फ ग्रास पे भी ले आओगे ना तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस करेगी नहीं। सो इफ़ यू वांट टू बाय अ फुटबॉल जो थोड़ी सी बैलेंस्ड हो तो आई वुड टेल यू निविया स्टॉर्म बैलेंस है, आपका काम निकल जाएगा। दिस फुटबॉल राइट नाउ इज फॉर ₹350,
दिस फुटबॉल इज फॉर ₹299। बैलेंस काम निविया स्टॉम में हो जाएगा, बट थोड़ी क्वालिटी बेटर करनी है। एंड इफ यू गाइस वांट टू प्ले ऑन अ स्पेसिफिक सरफेस पीपल, जो कि आर्टिफिशियल और टर्फ ग्रास ही है, तो फिर यार ये वाली फुटबॉल ले लेना जो कि ₹299 की फुटबॉल है। सो आई थिंक यस, इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं कवर करने के लिए। लास्ट चीज़ एक मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर वेट देखता हूँ मैं बॉल का, तो यार निविया स्टॉम जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हैवी है, किप्सा थोड़ी सी ज़्यादा लाइट है। मारने में दोनों बॉल सेम ही है, ज़्यादा है नहीं। निविया स्टॉम पता चलता है कि भाई बाहर से हार्ड है, जब आप लॉफ्ट करने जाते हो निविया स्टॉम लॉफ्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा ज़्यादा इजी है बॉल को लॉफ्ट करना। मारने में ये ज़्यादा हार्ड है, ट्रैवल बेटर ये करती है, लेकिन पर यार ऐसा है कि ट्रैवल निविया स्टॉम भी बेटर करती है, ऐसा नहीं, ऑलमोस्ट टक्कर देते हैं एक दूसरे को। अगर एक पॉइंट इसका अच्छा है तो एक पॉइंट इसका अच्छा है, एक पॉइंट इसका अच्छा है तो एक पॉइंट इसका अच्छा है। तो बैलेंस फुटबॉल अगर देखने जा रहे हो तो निविया स्टॉम ले लेना। बाहर किप्सा के साथ खेल सकते हो, ऐसा नहीं है खेल नहीं सकते, पर ये इससे कम परफॉर्मेंस आप लोगों को देगी, ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, ये तो होगा ही होगा, ये आप लोग खुद भी देख लोगे। सो यस पीपल, आई थिंक वी डन विद दिस वीडियो टुडे। पीपल बताना कैसा लगा आप लोगों को आज का कंपैरिजन। इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम कंपेयरिंग टू फुटबॉल्स। कोई रिकमेंडेशंस, कुछ बेटर और कर सकते हैं, कोई और तरीका, कुछ और आप लोगों को देखना है अगर मेरे चैनल के ऊपर या इवन ऑन द कंपैरिजन ऑफ फुटबॉल, यू गाइस कैन टेल मी। इंस्टाग्राम पे DM कर देना, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो यार, एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।